एक्सरसाइज में आपको पहला वाला करना है 335 वाला, जो एक्सरसाइज इसमें पहला है, वैसे 335 इसका नंबर है। इसमें लिखा निकालना है आपको द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इन ओ टू माइनस से, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ओ टू माइनस। तो इसका फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस ए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इनका डिफरेंस होता है चाहे जो ज़्यादा हो उससे पहले लिखना, अपॉन में टू होता है, निगेटिव नहीं आना चाहिए इसका। और इसकी ट्रिक है 1 2 3 4 5 6 7 16 तक इसकी क्या है, ये लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबको जोड़कर, जैसे ओ टू है, ओ टू में ओ टू का एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, लेकिन उसके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं 6। तो 6 प्लस 6 प्लस 1 1 क्या है वो, उसमें ओ टू माइनस है, माइनस मतलब गेन किया उसने एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके टोटल आ गए 13। 6 प्लस 6 इसलिए आया क्योंकि दो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन है। तो 13 में देखेंगे हम, इस ट्रिक में देखेंगे 13 कहाँ पे है। 13 में स्टार कितने हैं हमारे, 13 तक हमारे दो स्टार रहे हैं, 3 4 पे, एक है 3 पे और सॉरी इसमें 3 4 पे होगा, इसमें एक 3 पे एक 4 पे होगा, और 11 12 13 तो कितने हो गए हमारे, 3 तो 5 हो गए, 5 हो गए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जो बचे हुए हैं 13 में, 5 तो एंटी बॉन्डिंग है और बचे कितने 8 है, 13 माइनस 5 8 बचे। अब वे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अपॉन में टू इसके, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर है 8, 8 माइनस 5 अपॉन टू, 8 5 माइनस हुआ 3/2, 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ओ टू माइनस कितना आया, 1.5। इसे हम शॉर्ट में भी कर सकते थे लेकिन आपको हमें ट्रिक समझानी थी, ट्रिक कैसे इसमें अप्लाई करते हैं। तो इस ट्रिक से हम किसी भी एटम का हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, किसी भी जो जो होता है कंपाउंड होता है उसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं इस ट्रिक से ही। अब चेक कर लेते हैं इसका आंसर, आप नहीं कहेंगे कि गलत निकाला, देखिए चेक करते हैं। इसका नंबर था इसके 335, 335 नंबर था क्वेश्चन का। फोर इसमें 335 देखो, डी ऑप्शन नंबर डी डी आया 1.5। अब सेकंड वाला करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, सॉरी स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। अब एंगल निकालेंगे हर एक एटम का, आपको निकाल के दिखाएंगे कैसे किस तरह से डायरेक्ट से निकालते हैं, तो ट्रिक भी बताएंगे साथ में। वैसे तो बहुत शॉर्ट में आंसर देना होता है लेकिन आपको मैं पूरी इसकी थ्योरी कवर करते हुए जा रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन में पूरी थ्योरी की कैसे करके निकालते हैं किसी एटम का हम बॉन्ड एंगल या बॉन्ड ऑर्डर। इसमें देखो मैं शेप भी बताऊँगा साथ में कि इसकी शेप कैसी है और वैसे कैसे होनी चाहिए थी। NH3 हमने पहला ले लिया, NH3 उसमें पहला दिया था, तो पहला है इसमें NH3। इसमें नंबर ऑफ एन, जो जो सेंट्रल एटम होता है इसमें एन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में टोटल नंबर कितने होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन उसके 2 पहले होते हैं और 5 अलग होते हैं। 5 वाले इसमें ले लेंगे तो 5 में से 3 तो पेयर कर जाते हैं हाइड्रोजन के साथ, लेकिन जो एक दो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो पेयर होता है एक का, तो उसे क्या कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, उसे कहेंगे लोन पेयर। तो इसमें 3 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक क्या है, लोन पेयर नाइट्रोजन में, 3 तो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करवा दूं इन्हें। ये तो जुड़ गए 3, एक बचा, ये तो लोन पेयर बच गया। इसकी शेप कैसी होनी चाहिए थी, इसकी शेप होनी चाहिए क्योंकि इसमें 4 वो हैं, तो इसकी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी,
लेकिन इसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं होती, पिरामिडल होती है इसकी शेप। नो सर, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होता है इसमें रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज़्यादा होता है। आपने पढ़ा होगा शायद, अगर सही से पढ़ाई की है तो पढ़ाई होगा इसमें, जब मैक्सिमम बच्चे पढ़ते ही हैं। तो अब इसकी क्या होगी, इसे पिरामिडल होगी इसकी। और इसका बॉन्ड एंगल पहले था वन, अगर अब हो गया इसका 107 degree 48 minutes। अब दूसरा एग्जांपल, दूसरा उसका देखते हैं H2O, दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सेंट्रल एटम को है, क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 2.6, मतलब 8 होते हैं, और 6 क्या है इसमें, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें से 6 में से 2 तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चले गए, लेकिन इसमें 4 बचते हैं, जो 4 में से 2 लोन पेयर माने जाएंगे, क्योंकि 4 होते हैं पेयर होते हैं वो तो लोन का। तो इसमें 2 लोन पेयर हो गए और 2 क्या बॉन्ड पेयर हो गए इसमें। इसमें और ज़्यादा रिपल्सन होगा, क्योंकि LP-LP रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है सब उससे, बॉन्ड पेयर से। तो इसकी शेप और छोटी हो जाएगी, मतलब इसका एंगल और छोटा हो जाएगा। वैसे इसकी भी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें भी 2 उधर सींग हैं इसके, ऑक्सीजन के 2 सींग हैं और 2 नीचे वो टांगे हैं इसकी, तो 4 हो गए इसके भी, तो इसकी भी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी टेट्राहेड्रल नहीं होती है। इसकी क्या होगी, पिरामिडल, सॉरी इसकी होगी एंगुलर, क्योंकि एंगल बना रही है, एंगल दो साइड के बीच में बनता है इसलिए इसकी एंगुलर है। तो इसका बॉन्ड एंगल